अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। पता नहीं किस दिन मेरी इन जाहिलों से जान छूटेगी। मैं देखे एक वो गाने बजाने वाला हाथ आया था तो मेरे इन भाइयों के मिर्चे लग गई। और वैसे भी छोटी जात तो इनका एक बहाना था। असल में तो अगर मेरी शादी हो जाती तो इनके हाथ से नोट कमाने वाली मशीन निकल जाती। और ये अमेरिकन सुंडी, इसको तो मैं अच्छे तरीके से पूछूंगी। जी साइकिल, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं जिमखाना में हूँ। अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर हुई है। और मुझे आपसे एक बात के लिए सॉरी भी करनी थी। वो एक्चुअली जो आपने उस दिन मुझे 1 लाख दिए थे ना, वो मैं कैसीनो में हार गई। थैंक यू सो मच डार्लिंग, आप कितने स्वीट हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप आज आ रहे हैं ना? मैं इंतजार करूंगी आप। ओ झांसी की रानी, ये घर के भी जरा कुछ कामकाज कर लिया करो। हर बार इसमें ना कुछ रहा करो मोबाइल में। यू जो भी बर्तन धो के आई हूँ वो नजर नहीं आता तुम्हें? ओ, तूने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। 3 प्यालियां और 2 प्लेटें धोकर सब्जी मैंने काट ली, हंडियां अम्मा ने चढ़ा ली। अरे मैं क्या नौकर हूँ इस घर में तेरे बाप की, जो सारा दिन काम करती रहो है? तो रख लो ना नौकर, अच्छा खासा पैसा आता है। इतनी आसानी से पैसा नहीं आता। मैं और अम्मा ना बड़ी मेहनत से कमा कमा के पैसा लाते हैं, चूना लगाते हैं। और ये चूना लगाना आसान बात नहीं है। शुरू कर दी किलकिल दोनों ने। कुत्ते बिल्लियों के बच्चों में एक हो सकता है, लेकिन मेरी औलाद में भाईचारा कभी पैदा नहीं होगा। मन जलती है मेरे हुसन से। ये हुसन तो देखो, जरा सा रंग काला होता ना तेरा पूरी डायनासोर की बच्ची लगती थी। रंग की गोरा नहीं है सर तेरा, नैन जब से तुमसे प्यारे है मेरे। रहने तो बस बस बहन, मेरा मुंह मत खुलवाओ। पता है मुझे सारी ब्लीचर रगड़ रगड़ के जो तुम गोरी हुई हो ना, सब जानती हूँ। अम्मा देख रही हूँ उसको, अब दिखा रही है। जब आधी लड़ाई लड़ ली, कितनी दफा कहा है अगर झगड़ा करने का मूड हो तो बैकअप साथ लेके चला कर। ना वही ना, मुझे नहीं बनना तुम दोनों जैसा। मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी। हैं, तुम बनोगी एयर होस्टेस? फूटे नसीबों वाली मुझ शकल की। ए ओ ओ, मुझसे बात कर, खबरदार जो हाथ लगाया उसे। ओ कुलपत्र, चल जा हांडिया देख कर। मैं नहीं जा रही, मेरी स्किन। तेरी स्किन की तो रुक जा, बता जा रही हूँ ना अम्मा, एक तो बार बार ड्यूटी उठा लेती हो। जा रही हूँ मैं। जो जूती के काबिल होते हैं उनको जूती दिखाई जाती है। हाँ मैं तो तुम्हारे, तू खबरदार मेरे नजदीक आई बदबू वाली औरत। रोज ना आती हूँ इस कॉल ब्राइड से लग रहा है कि गोरी हो जाओ। हिजाब हिजाब, अरे नैना आओ आओ, कैसी हो? बैठो। बहुत बुरी हो नैना तुम, मुझे कॉल भी नहीं करती हो। खैर आजकल मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन तुमने अच्छा किया कि आ गई, मैं बहुत बोर हो रही थी। पता है तुम्हें मैं आज अजीब और गरीब खबर देने आई हूँ। खबर है कोई जोक सोच के हंस रही हूँ? पता है आज मेरे चाचा चाची आगरा ताज से आ रहे थे, रक्षा रोक के उन्होंने पता पूछा। फिर लड़के ने दूसरे से कहा पता है ये घर का पता किधर है? उन्होंने कहा कंचा चौक पे ये घर पड़ता है। क्या कंचा चौक? कंचा चौक क्या है? पता है ये बहुत जलील लड़के होते हैं ना, खूबसूरत लड़कियों को कंचा कहते हैं। अच्छा हाँ, तो वाकई इस इलाके में है भी तो बहुत सारी लड़कियाँ।
आस पास के घरों में मिला के 40-50 लड़कियां तो होंगी। हाँ पता नहीं, खैर अजीब लड़के हैं ये बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी, कैसी हो तुम, ठीक हो? हेलो, हेकू खे बोलती है ना, देखो खिजाब के बाद तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा दिल जलता है। मुझे कहकर गए थे कि सूजी का हलवा बनाना, और अब कह रहे हो मुझे कि मैं गुलाब जामुन लेकर आ रहा हूँ। कहीं और चलो वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। भला ये क्या बात हुई? अम्मी आप हिजाब ना बोला करें, आपके मुंह से मेरा नाम नहीं निकलता, आप मेरा कोई और नाम रख दें। भाई मैं तो हिजाब के अब्बा को बोल रही थी कि खे से नाम मत रखो। हे से? अरे हाँ हाँ, खे ही तो बोल रही हूँ। तो मैंने हिजाब के अब्बा को बोला था कि खे से नाम मत रखो, मगर वो उसकी पुप्पी है ना हमीदा, हमीदा, उसने जिद में आकर ये नाम रखा है मेरी हसद में, मेरे हसद में। खैर अम्मी आप नैना से बातें करें, मैं इसके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी बिजी है, मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा है कि तुम दोनों बैठ के आराम से बातें करो, मैंने हलवा बनाया है बहुत मजे का, वो लेकर आती हूँ, बैठ के आराम से खाना, ठीक है? कितनी बदतमीज के सामने हंस रही थी। बुरी बात है। हाँ भाई बता निकाल यार, क्या ब्लैकबेरी भाई सुबह ही सुबह, वो भी कशकोल के साथ। अबे ये तेरी सुबह है और ये जो कशकोल नजर आ रहा है, हाँ कशकोल में भी गड्ढा होता है और इसमें भी गड्ढा है, और वो भी मांगने के काम आती है। अबे ओ तमीज से, भिखारियों में और हमें बड़ा फर्क है। ब्लैकबेरी भाई की बात नहीं कर रहा मैं, तुझमें और भिखारियों में कोई फर्क नहीं है। अबे भिखारियों के पास गन नहीं होती, बत्ता देगा या दूं? बोल ना। दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ भाई दे रहा हूँ। नहीं नहीं मैं ला, जल्दी कर। चल चल मुझे कोई शौक नहीं है। अरे मुख्तार को काबू कर, अक्खड़ मिजाज आदमी है उसको। अम्मा जरा दुपट्टा तो देना। क्यों क्यों दुपट्टा दूं? क्रीम रोल और ना फ्रेस्को लेके आऊंगी, बड़ा ही दिल चाह रहा है मेरा फ्रेस्को खाने का। सुनो अगर तुम्हें इतने चटखारों का शौक है ना तो जरा दो पैसे कमाने शुरू कर दो। इतना ज्यादा कमाती हो माँ बेटी, लेकिन मजाल है कि मुझे इतना सा दे दो। ये जो इस घर में खाने को भी मिल रहा है ना तो शुक्र अदा करो मेरा, और वैसे भी इस घर में जो भी कुछ है ना वो सब कुछ मेरी किस्मत से है। और पता है तुम्हें जब मैं पैदा हुई थी ना तो उससे पहले इस घर में फाके होते थे, फाके। अब्बा साहब तो कुछ कमाते नहीं थे और अम्मा हमारी बेचारी ले दे के वो ये सब कुछ चलाती थी, बल्कि वो भी क्या, वो जो अम्मा वो नहीं थे उनके। क्या क्या मसला है? अरे बता दी तो रुको तो सही, वो अम्मा के मुंह बोले भाई ये, वो अगर हमारी मदद ना करते ना तो अम्मा के खर्चे ना चलते, समझी? हाँ हमें बताओ जरा इसको। ज्यादा जबान नहीं चल रही उम्मा तेरी? देख ली ना अम्मा इसकी जबान, इसीलिए तो पूरे मोहल्ले में ये ना कैंची के नाम से मशहूर है। क्या मुझे, किसने इतनी जुर्रत है जो मुझे कैंची बोले है? मैं जबान बुद्धि से खींच के ना निकाल दूं। पूरे मोहल्ले में ना तुम्हें इसी नाम से जानते हैं कैंची, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि तुम्हारा नाम हमा है। कैंची, किसी माई के लाल में ना इतना दम नहीं है कि वो मेरा नाम बिगाड़े, अम्मा मेरा नाम बिगाड़े। ये मैं अभी के अभी इसने मुझे खुद कैंची बोला है, मैं बता रही हूँ इसको नहीं छोड़ने। अम्मा आपको पता है पूरे कंचा चौक पे ना कैंची के नाम से मशहूर है, और वाकई भाई तुम तो हो भी कैंची।
बताती हूँ, तेरी कैंची मैंने काटी है। तुझे भी कैंची? नहीं रुक, नहीं क्यों बताया अम्मा, अब तेरी इधर आना, तुझे तो मैं बताऊँ कैंची बोल रही है मुझे। लो हम बचाए, हम क्यों बचाए, तो भाई मुक्का पाते हमारे सामने तो आना है। मैंने भी बचपन से लेकर जवानी तक अपने बहन भाइयों के साथ इसी तरह जूतम पेजार बरकरार रखी, तब मुक्का पाते अमल है, तो वही मेरे साथ हो रहा है, मेरी औलाद भी वही हरकतें कर रही है। एक तो करेला ऊपर से नील चला, मियाँ को देखो तो वो निखट्टू नामुराद कम बहुत मारा मोमबत्ती की औलाद, मनहूस सारा दिन मुसुंडा घर में पड़ा रहता है, बेरोजगार आदमी, अभी भी बेरोजगार है, माजी में भी बेरोजगार था और सारी जिंदगी मुस्तकबिल में भी बेरोजगार ही रहेगा। कदम मारी चप्पल तो उठाऊं, मार लो, तुम और कर भी क्या सकती हो, मैं मुझे मारती तो रहती है, रोबत बुआ दी है मारती हो। कर तो बेटा मैं बहुत कुछ सकती हूँ, बहुत कुछ दबा के बैठे हैं, तू मुख्तार का सोच ले, किसी तरह उसको राम कर ले, कुछ घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, नोट की जरूरत। अम्मा आज तक जितने केसेस थे ना उनमें मुख्तार सबसे मुश्किल केस है, नहीं पट रहा वो मुझसे। तो यही तो तेरे टैलेंट का पता लगेगा। उसकी निगाहों के तीरे बगैर नलके के इंसान का बच्चा अंधा तू क्या? अबे मुझे नलका बोलना, अबे तभी तो तुझे नहीं कहीं तभी नमूदार हो जाता है। मुझे यकीन है कि तू अपने बाप पे किया बहुत बदतमीज था, क्या थी तेरी नेक माँ, क्या इखलाक है उस खातून के, चाय मांगो तो लस्सी पिलाती थी। अबे चुप, अबे तू तो जा बकरी के बच्चा, तू कहाँ से आ गया पीछे, मैं अबे तू बता, अबे क्या कह रहा है तू, अंधा हो गया हूँ मैं? अबे अंधा होता ना तो कुंडली तेरे चौकटे पे करता, चौकटे पे। चुप हो जाओ वरना लड़ाई और बढ़ जाएगी। हमें चल बे, चल मर जाए इधर से, मेरी जान दिमाग खराब करके रखा। हमें चलना, आ गया बड़ा लड़ाई का बीच बचाव कराने के लिए। अबे छोटे, अबे खाना ले गया, अंडा घोटाला लाइयो। अबे खाने का बिल कौन देगा, मैंने तो अकेले को ही भगा दिया। अरुण को फोन करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे तू बाप का नाम कैसे ले रहा है? हैं? पर मैंने आपका नाम कब लिया? अबे अभी तो तू कह रहा है बब्बू सलाम वालेकुम। अरे नहीं अब्बू, मैंने अब्बू जी बोला है, बब्बू नहीं बोला। अबे यार माफ करना भाई, सही नहीं सुना होगा यार, कान भी तो सही काम नहीं करते ना। और सुना था, ठीक है ना? जी जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप बताएं अब्बू आपने फोन कैसे किया? अबे यार अब क्या बताऊं यार, वो मैं इधर होटल पे आया था, अरे खाना खाया, खाना खाने के बाद जब पैसे देने के लिए जेब में हाथ मारा तो बटुआ गायब है। अरे बेटा जेब कट गई मेरी। ओहो, तो इससे परेशान होने वाली बात क्या है, आपकी जेब में कोई पैसे तो होंगे नहीं। अबे बेटा अब ये तू पूछ रहा है मुझसे या बाप के मुंह पे जूता मार रहा है? अबे मैं बेरोजगार हूँ, मेरी जेब में क्या होगा? अरे नहीं नहीं अब्बू, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। अच्छा ये बताएं कितने पैसे दूँ आपको? अब खाने का बिल तो 300 बनता होगा, तू 500 भेज देना यार। अच्छा मैं अभी सेंड करता हूँ। जी जी। अरे भाई आधा मुनाफा तो ये होटल पे बैठ के खा जाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो घर पे बैठ के खा जाते हैं। सीप तमाशा लगा के रखा हुआ, ऐसे सेंड करो इनको। चलो 200 का खाना खाया, 300 तो बचेंगे। पानी की टंकी 900 रुपए की हो गई है, इस वक्त भला क्या तुक बनती थी नहाने की। दीवारों के जाले उतारे, डस्टिंग की तो क्या धूल मिट्टी सो जाती। और हाँ, पानी की टंकी 900 की नहीं 1400 की हो गई। मेरे पापों में जो आन आके
मुझे छीन जाए, उसे कहो जरा सामने सो आए। हिना बंद करो ये सब, मेरी राइटिंग खराब हो रही है, ऊपर से इतनी बेसुरी आवाज है तुम्हारी। एक तो कमबख्त ये घर इतना छोटा है ना कि मैं काजल की तरह डांस भी नहीं कर सकती। हर वक्त कोई ना कोई कमरे में धंसा रहता है। हाँ तो ठीक है, बनवा लेना अपने लिए एक महल और फिर हर कमरे में काजोल की तरह टॉवल उठा के नाचती रहना। इंशाल्लाह महल भी होगा और शाहरुख भी होगा। उससे कहो जरा सामने तो आए। क्या बदतमीजी है हिजाब? है ना, जो तुम्हारी तरह ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं ना, एक दिन मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि तुम जैसी जल कुकड़ी टांग जो अड़ा देती है। अरे तनी क्या पढ़ रही थी, मैं भूल भी गई इसकी वजह से। अच्छा तो आज आप आ ही गए सैकल। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल किसी गुलाब की तरह, और वो भी जो बिल्कुल अभी अभी खिला हो। जानते हैं आप इतने अच्छे हैं सैगल, सच पूछें तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए मैंने डायमंड का हार ऑर्डर किया है, बस दो एक दिन में आता है तो फिर तुम्हारे गले में अपने हाथों से पहनाऊंगा। ए अम्मा, अम्मा उठो, उठो अम्मा। जो तुम करूंगी ना, खेंची के कमरे में कोई आदमी घुसा हुआ है। तो मनुज बारा किसके कमरे में, कौन घुसा है? खेंची के कमरे में। तुम जानती हो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोटे, अरे कहाँ, कौन घुस गया? खेंची के कमरे में कोई आदमी घुसा हुआ है, जल्दी करें आए। बुड्ढे मोमबत्ती, अरे उठ भाई, पता नहीं किसके कमरे में कौन हुआ, क्या बकवास कर रहे हैं। क्या हो गया? कांच खुला के रखा। क्या हो गया, हुआ क्या भाई? अम्मा मुझे लगता है बारी है। अरे किधर घुसा चला जा रहा है, बात तो सुन, क्या हुआ है? अपनी माँ की खबर में घुस रहा है। अबे उधर अलमारी में क्या अजाब के फरिश्ते ढूंढ रहा है क्या? अजाब के फरिश्ते आएंगे तेरी खबर में बुड्ढे। फिर से बताओ कांच खुला के रखा है उसे? मुंह से कुछ फूटेगा भी, किसको ढूंढ रहा है, क्या हो गया, किसको छुपा लिया मैंने? अब बोल भाई, बेगैरत की औलाद? बेगैरत नहीं, बेगैरतों की औलाद बोलो, बेगैरतों की। तूने भी तो पैदा किया है इन्हें। हे अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद किसी आदमी की आवाज सुनी इसके कमरे से। मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, उसमें फिल्म देख रही थी, उसमें किसी आदमी की आवाज ये सुनी होगी इसने। शर्म नहीं आती तुझे है? बहन पे इल्जाम लगाता है बेशरम। आइंदा माँ बाप को नींद उठाने से पहले ना सबूत लाइयो, बता रही हूँ तुझे मैं। सॉरी, नींद हराम कर दी तूने, ना दिन को सुकून ना रात को चैन लेने देता है मनुष्य। नहीं हाँ बतावे, क्या ड्रामा किया तूने? देखो मैंने खुद किसी की आवाज सुनी है और मेरी गैरत। तू गैरत पढ़ा है गैरत? और बात सुन, आइंदा अम्मा और अब्बा को जगाने से पहले ना अपनी आंखों से देख लेना कि मर्द आया है कमरे में कि नहीं आया। या अल्लाह मेरे नसीब में कहीं भी चैन नहीं है, मेरी कब्र में भी घुस के आ जाना। अरे कौन जीदार होगा जो तुम्हारी कब्र में घुसेगा, फरिश्ते भी आए ना तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी आई दबाए से रुको। यार ना छोड़, मजे नहीं।